आज हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इससे पहले हम हेड इंजरी के बारे में बात कर चुके हैं, सो हेड इंजरी का एक कंटिन्यूशन में स्पाइनल कॉर्ड ले लेते हैं। देयर कैन बी सम टाइप्स ऑफ इवेंट्स दैट कैन लीड टू बोथ हेड इंजरी एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी टुगेदर। देयर कैन बी सम इवेंट्स दैट कैन लीड टू हेड इंजरी जिसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हो सकती हैं ड्यू टू कंप्रेशंस, और देयर कैन बी इवेंट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड ही इंजर्ड होता है। ठीक है, सो दीज कैन बी सम ऑफ द इवेंट्स विच कैन लीड टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सो वॉट इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? एनी डैमेज दैट हैज अकर्ड टू द स्पाइनल कॉर्ड टीयर इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ओके, सो वॉट कॉज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो रिस्क फैक्टर है या जो इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं वो हेड इंजरी से बिल्कुल सेम कंडीशंस हैं। इट कैन बी ड्यू टू असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट, इट कैन बी ड्यू टू फॉल, एनी एक्सीडेंट्स, एनी कोलिजन, ड्यू टू एनी टाइप ऑफ ब्लास्ट और समथिंग। सो दीज कुड बी सम रीजन्स विच कैन लीड टू, और इट कुड बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर हेड इंजरी जिसमें नर्व कंप्रेशन हो जाता है। ओके, सो दीज कुड बी सम रीजन्स विच कैन लीड टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो क्लासिफिकेशन है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। वन कैन बी प्राइमरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। प्राइमरी जो होता है वो तब होता है जब जो ट्रॉमा हुआ है वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट किया है अगर, तो उस टाइप के इंसिडेंसेस को हम कहते हैं प्राइमरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, कोई कार एक्सीडेंट हुआ है, कोई मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, किसी पर्टिकुलर ऊंचाई से एक इंसान गिरे हैं, तो उस दौरान उनके हेड में शायद चोट लगी होगी, साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड में भी अगर इंजरी हुई है, सो उस इवेंट को हम कहते हैं प्राइमरी। ओके, सेकेंडरी वो होता है कि जब कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे तो स्पाइनल कॉर्ड इंजर नहीं हुआ, लेकिन जो भी एरिया इंजर हुआ, जैसे हेड इंजरी हुई होगी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं तो कुछ दिन बाद या कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि नर्व कंप्रेशंस हो रहे हैं एंड दैट लीड्स टू किसी कंट्यूशन की वजह से या डिप्रेशन की वजह से, स्कल डिप्रेशन की वजह से इट हैज़ लीड टू अ नर्व कंप्रेशन एंड दैट हैज़ लीड टू अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो अगर इंसिडेंट के वक्त डायरेक्टली ट्रॉमा नहीं पहुंचा है और किसी और कंडीशन का कॉम्प्लिकेशन की वजह से नर्व कंप्रेशन या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, सो दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हेड इंजरी में जो हम पढ़ते हैं राउंड अबाउट वैसा ही थिंग्स है, साथ साथ इसमें पैरालिसिस या पैरासिस होने के चांसेस हैं। पैरालिसिस इज इनएबिलिटी टू मूव द वॉलंट्री पार्ट्स या इनवॉलंट्री मसल्स का मूवमेंट ना हो पाना, एंड पैरासिस इज एक्चुअली वीकनेस। ठीक है, किसी भी तरीके का जब पैरालिसिस सडन भी हो सकता है और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंप्रेशन की वजह से धीरे धीरे डीजनरेशन स्टार्ट हो और धीरे धीरे वहाँ पे फंक्शनिंग कम होना स्टार्ट होगा, तो उस दौरान बिल्कुल पैरालिसिस तो नहीं होता है लेकिन वीकनेसेस स्टार्ट हो जाती हैं बहुत हायर लेवल पे, उसको हम पैरालिसिस कहते हैं एंड दैट लीड्स टू पैरालिसिस। ठीक है, जिसको हम प्लेजिया कहते हैं। सो पैराप्लेजिया एक कंडीशन हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। पैराप्लेजिया इज़ वन साइड ऑफ द बॉडी, वन साइड मतलब वन पार्ट ऑफ द बॉडी, वन पार्ट मतलब अपर पार्ट या लोअर पार्ट। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि अगर थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक वर्टिब्रे से लेकर थोरैसिक वर्टिब्रे या उससे नीचे अगर वर्टिब्रेज में इंजरी हुई है तो हम देखते हैं कि जो हिप के नीचे का पोर्शन है या थोरैसिक वर्टिब्रे के नीचे का पोर्शन है जहाँ पे भी इंजरी हुई है उसके नीचे का पोर्शन बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाता है, तो वो उठ नहीं पाएंगे क्योंकि उनका वन पार्ट ऑफ द बॉडी पैरालाइज्ड है। ठीक, हेमिप्लेजिया जो है वो हेमिस्फेयर से है, हेमिस्फेयर मतलब राइट या लेफ्ट। तो हेमिप्लेजिया अगर किसी को होता है इसका मतलब है कि ऐसा कंप्रेशन हुआ है, ऐसी इंजरी हुई है नर्व्स में कि एक साइड ऑफ द बॉडी, एक साइड मतलब एक लेफ्ट या एक राइट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज्ड हो गया है, तो एक हाथ एक पैर जो है लेफ्ट साइड का या एक हाथ एक पैर जो है राइट साइड का अगर पैरालाइज्ड हो गया है तो उस कंडीशन को हम हेमिप्लेजिया बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया ज़्यादातर तब होता है जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सर्वाइकल वर्टिब्रे डैमेज होते हैं। अगर सर्वाइकल वर्टिब्रे में इंजरी या डैमेजेस देखे जाते हैं तो ज़्यादातर हम ये कंडीशन देखते हैं कि दोनों हाथ और दोनों पैर
मूव नहीं कर पाते हैं, प्लेजिक हो जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं. सो चारों एक्सट्रीमिटीज़ का पैरालाइज्ड हो जाना क्या कहलाता है? क्वाड्रीप्लेजिया. इसी के साथ साथ बैक में, नेक में स्टिफनेस और पेन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. लॉस ऑफ व्हाट यू कॉल दैट, कंट्रोल, मसल कंट्रोल्स होते हैं. ज़्यादातर हम लॉस ऑफ कंट्रोल्स बाउल या ब्लैडर से देखते हैं कि वो यूरिन को, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्टिनेंस नहीं कर पाते. मतलब इनकॉन्टिनेंस मतलब अपने आप ही यूरिन पास होना स्टार्ट हो जाना. द पर्सन कैन नॉट हैव द एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द वॉइडिंग ऑफ द यूरिन. ठीक है, साथ ही साथ बबल में भी ऐसा ही होता है कि बबल कंट्रोल नहीं होते हैं, जो स्पिंक्टर्स हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं और जो फीसिस है वो अपने आप ही पास होना स्टार्ट हो जाता है. द पर्सन कैन नॉट वॉलेंट्रली हैव द कंट्रोल ओवर द स्पिंक्टर्स. ठीक, साथ ही साथ द पर्सन कैन हैव हाइपोटेंशन. It depends at the time of injury. It could be hypertension due to the circulatory disbalance that has occurred. लेकिन धीरे धीरे जो spinal cord injury में हम देखते हैं कि hypertension के chances ज़्यादा हैं because of the non-mobility of the body. उस वजह से non-mobility की वजह से pressure भी क्या हो जाता है, बहुत low हो जाता है blood vessels में. Okay. Now next one is diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation में बहुत common चीज़ें की जाती हैं related to the spinal cord एंड हेड. तो यहाँ पे हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन तो आप करते ही हैं. हिस्ट्री टेकिंग में आप देखते हैं कि द पर्सन है व्हाट द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट वॉज, और स्पेशली अगर सेकेंडरी है तो आपको ये जानना है कि इसका परमानेंट कॉज क्या था. फिजिकल एग्जामिनेशन में हम मोबिलिटीज़ को चेक करते हैं. आपको क्वाड्रीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया या पैराप्लेजिया आपको पता तभी चलेगा जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे. साथ ही साथ यहाँ पे कुछ स्कैंस किए जाते हैं. इट कुड बी दी एक्सरे. एक्सरे में आप स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी या लीजन्स तो नहीं पता कर सकते, आप वर्टिब्रे का इंजरी या डैमेज पता कर सकते हैं. उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का अगर आपको जानना है तो यू कैन सी कि द पेशेंट हैज़ बीन एडवाइज्ड फॉर सीटी स्कैन और एमआरआई. तो ये कुछ टेस्ट प्रोमिनेंटली किए जाते हैं. फिर अगर कोई इन्फेक्शन है तो द पर्सन कुड बी आस्क्ड फॉर कल्चर्स एंड ऑल दैट. इफ़ देर इज़ इंडिकेशन ऑफ CSF लीकेज तो CSF एनालिसिस भी किया जाता है, बट अदरवाइज दीज आर द कॉमन थिंग्स आर दैट डन. ओके, नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट में द पर्सन इज़ गिवन कॉर्टिकोस्टेरॉइड. कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए. ठीक है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड उस एरिया में जितना भी इंटरस्टीशियल स्पेसिस में फ्लूइड होगा तो उस इंटरस्टीशियल फ्लूइड को कम करने में मदद करता है. ठीक है, इट helps to bring back the fluid from the interstitial spaces back into the cells so that there would be less evidences of edema. Okay, तो उससे pressure कम पड़ेगा और दर्द कम होगा. दर्द बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए ही हम corticosteroid दे रहे हैं to relieve the pressure on that area. Then for pain you the patient can be given analgesics. There is a very problematic situation related to the lung efficiency. इसीलिए oxygen supply artificially देना बहुत important है. तो oxygen therapy दिया जाता है और फिर mobility को कम करने के लिए ताकि और injuries ना हो, patient can be given cervical collars. bands होते हैं जिसको लगाया जाता है ताकि ये portion हिले नहीं और injury ज़्यादा ना हो अगर cervical region में है. और इसी के साथ साथ cervical tractions दिए जाते हैं अगर cervical ends का problem हो. तो because there are chances कि patient अपना जब हेड मूव करते हैं तो देर आर चांसेस ऑफ एनी टाइप ऑफ मोर टीयर, मोर स्ट्रेच विच कैन लीड टू मोर इंजरी. ओके, सो ट्रैक्शन आप ऑलरेडी फ्रैक्चर के दौरान पढ़ चुके होंगे. तो जब आपको किसी पर्टिकुलर ब्रोकन बोन को अगर इमोबिलाइज करना है तो आप वहाँ पे एक ऑपोजिट फोर्स लगा देते हैं विच डू नॉट लेट दैट एरिया टू मूव वेरी फ्रीली. सो दैट इज नोन एज ट्रैक्शन. ठीक है, तो ट्रैक्शन तब तक लगा रहता है जब तक रिस्क बना रहे या फिर अगर किसी टाइप का फ्रैक्चर हुआ है या इंजरी बहुत ज़्यादा है तो जब तक हीलिंग नहीं हो जाता तो ट्रैक्शन लगा रहता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सर्जिकल मैनेजमेंट. यहाँ पे लैमिनेक्टमी की जाती है. दिस इज़ दी वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्टिब्रे. तो ज़्यादातर होता क्या है कि ये जो एरिया है, दिस होल फ्रॉम विच द स्पाइनल कॉर्ड पासिस एंड द स्पाइनस प्रोसेस और जो आर्क होता है, ये जो एरिया है दिस इज़ नोन एज लैमिना. तो लैमिना अगर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ वर्टिब्रे पुश हो रहे हैं जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये लैमिना
रिमूव कर दिया जाता है. दिस इज़ नोन एज लैमिनेक्टमी. ये लैमिनेक्टमी इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रेशर कम हो जाए, और प्रेशर कम होगा तो जो बैक में जो स्किन है उसमें प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी. ओके, तो ये ज़्यादातर किए जाते हैं एट द एक्सट्रीम केसेस जब पेन बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज़ लैमिनेक्टमी. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन. अगर आपको कोई भी डाउट है तो कैन आस्क मी. थैंक यू.